आज सूरज बना लोगों के लिए कौतूहल का विषय। दोपहर 11 बजे के करीब आसमान में दिखा दिलचस्प नजारा। सूर्य के चारों ओर एक रिंग यानी सर्किल लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। चर्चा के बीच लोग अपने अपने घरों के छतों व सड़कों पर नजारा देखने के लिए निकले। उनतीस अप्रैल यानी कल वाराणसी में चल रहे गंगा पुष्करम कुंभ को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम के इस कार्यक्रम की जानकारी राज्यसभा सांसद एल नरसिम्हा राव ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत शाम के 6 बजे होगी और जो भी पीएम मोदी बोलेंगे उसका तेलुगु अनुवाद तुरंत किया जाएगा। मतदान कार्मिकों के लिए हो रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम। उदय प्रताप इंटर कॉलेज रानी मुरारका इंटर कॉलेज तथा उदय प्रताप पब्लिक स्कूल में चल रहा मतदान प्रशिक्षण। मतदान कार्मिक प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कार्मिकों की ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी दी। 9 मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। वाराणसी के रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोजित किया गया 9 मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। दीप प्रज्वलन करने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। निकाय चुनाव के दौरान 2 लाख से अधिक नगद का संचरण करना पड़ेगा भारी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने दी हिदायत। निर्वाचन के दौरान 2 लाख से अधिक नगद संचरण करने पर होगी विधिक कार्रवाई। अधिक नगद पाए जाने पर दिखाने होंगे वैध कागजात।